वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 जून 2019 और 13 जून 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया है? तो अभी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। तो बाल श्रम को खत्म करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। क्या है थीम? चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसे मनाता कौन है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाता कौन है? इसकी शुरुआत तो 2002 में हुई, लेकिन इसको मनाता कौन है? इसे मनाता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO के बारे में आपको बताता हूं। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, यानी कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ILO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और ILO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? गाय राइडर। तो ILO के हेड का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, फिर से इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है। तो जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए, अब मैं आपको सारे बिल्कुल सीक्वेंस में बताता हूं। जून में पहला इंपोर्टेंट डे बनाया गया था वर्ल्ड मिल्क डे, और 1 जून को मनाया गया था। उसके बाद आया था 2 जून, 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना राज्य गठन दिवस, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था तेलंगाना, इसीलिए हर साल 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य गठन दिवस। उसके बाद आया था 3 जून, और 3 जून को मनाया गया था वर्ल्ड साइकिल डे। उसके बाद आया 4 जून, और 4 जून को मनाया गया बाल यातायात एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद आया 5 जून, और 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 5 जून को ही मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट डे बताया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो सबको याद रहता है, लेकिन याद रखिए 5 जून को ही अवैध, गैरकानूनी और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद आया 7 जून, और 7 जून को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। उसके बाद आया 8 जून, और 8 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ओशियन डे। और अब 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए, आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे तुरंत रिवाइज कीजिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2019 किसने जीता है? तो अभी अमेरिका ने इस बार का महिला फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस बार का महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहाँ है? मैंने आपको बताया था, फ्रांस में हुआ है, और अब ये अमेरिका ने जीत लिया है। और किसको हरा के जीता है? थाईलैंड को हराकर अमेरिका ने इस बार का महिला फीफा वर्ल्ड कप जीता है। और ये जो फीफा लिखा है, अभी मैंने आपको फीफा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, फीफा की दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? कियानी इन्फेंटिनो। इनका नाम आपको याद रखना है। और फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं?
तो अभी नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नृपेंद्र मिश्रा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया है और अब फिर से इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया गया है। और इसके अलावा अतिरिक्त प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है पीके मिश्रा को। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं ये है नृपेंद्र मिश्रा, इनको प्रधान सचिव बनाया गया है। और जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं ये है पीके मिश्रा, इनको अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वुमेन टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो अभी नाओमी ओसाका इस बार की वुमेन टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में टॉप पे रही हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये है नाओमी ओसाका और यही इस बार की वुमेन टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में टॉप पे रही हैं और एस्ले वाटी सेकंड नंबर पर रही हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एटीपी रैंकिंग के बारे में बताया था, नोवाक जोकोविच इस बार की एटीपी रैंकिंग में टॉप पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी थावर चंद्र गहलोत को इस बार राज्यसभा के नेता के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एक्चुअल में राज्यसभा के नेता थे अरुण जेटली, लेकिन अरुण जेटली की अभी तबीयत खराब है, इसी वजह से थावर चंद्र गहलोत को राज्यसभा के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं थावर चंद्र गहलोत और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री भी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उत्तर पूर्व भारत में 13,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी जापान ने उत्तर पूर्व भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 13,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अच्छा जापान ने की है, तो आप मैप में देखिए ये है जापान, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सिंजो अबे। अच्छा, जापान की संसद का नाम भी पूछा जाता है, तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि सर आप जापान और रसिया इन्हीं दो कंट्री की संसद का नाम बताते हैं और कंट्रीज की क्यों नहीं बताते? एक्चुअल में इन्हीं दो कंट्रीज की संसद का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इन्हीं दोनों के बारे में बताता हूं। और किसी कंट्री की संसद का नाम अभी तक पूछा नहीं गया है, जब भी पूछा जाएगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अभी आप इन दो को याद कर लीजिए क्योंकि ये दोनों के अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। और रसिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रशांत कुमार को ओला का निदेशक यानी कि डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं प्रशांत कुमार और ये हमारे जो प्रेजेंट टाइम के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उनके बेटे हैं और अब इनको ओला का निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, ओला के बारे में आपको बता देता हूं, ओला की स्थापना हुई थी 2010 में। ओला का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और ओला के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? भाभीश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं अमिताभ घोष, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं अमिताभ घोष और ये इंग्लिश के राइटर हैं और इनको 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था उस टाइम भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था और अब इनको 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अच्छा, अभी एक ज्ञानपीठ पुरस्कार के विनर की डेथ भी हुई थी, उनका नाम भी मैंने आपको बताया था, गिरीश कर्नाड को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और अभी उनका निधन हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रीस कर्नाड का नाम भी आपको याद रखना है और अब 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है अमिताभ घोष को। इनका नाम आप याद कर लीजिए, इनकी इमेज आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष यान के लिए हरित ईंधन का परीक्षण करने की घोषणा किसने की है? तो अभी नासा ने अंतरिक्ष यान के लिए हरित ईंधन यानी कि ग्रीन फ्यूल का परीक्षण करने की
घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है आजकल ग्रीन फ्यूल की तरफ बहुत ज्यादा जोर है, इवन जो व्हीकल्स हैं उनमें भी हरित ईंधन के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। तो इसी कदम को और आगे बढ़ाते हुए नासा ने अपने अंतरिक्ष यान के लिए हरित ईंधन का परीक्षण करने की घोषणा की है। अच्छा, नासा ने की है, नासा इंपोर्टेंट है और कई बार मैंने आपको नासा के बारे में बताया भी है। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? जिम ब्रिडनस्टीन। अच्छा, ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। एक्चुअल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कई बार रिपीट हो चुकी हैं और आपको याद भी हो गई होंगी। तो आप एक काम किया करो, जो चीजें आपको याद हो गई हैं उनको आप मेरे साथ साथ बोला करो। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज हो जाएगा और बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो जब भी मैं बताऊं और अगर आपको कोई भी चीज याद है तो आप मेरे साथ साथ बोला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु समिति का गठन किसने किया है? तो अभी आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये समीक्षा और शुल्क संरचना, ये हिंदी के वर्ड हैं, आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो इसको जनरल वे में कहें तो एटीएम से आप जितने भी काम करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो यानी कि मनी को इंटरचेंज करते हो, उस टाइम आपसे जो चार्ज लगता है उसके बारे में अब एक समीक्षा की जाएगी और इसके लिए एक समिति का गठन किया है आरबीआई ने। अब आरबीआई इंपोर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई गवर्नेंस पहल की शुरुआत किसने की है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अर्जुन मुंडा और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे जनजाति मामलों के मंत्री हैं और इन्होंने ही एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माता पिता को छोड़ने वाले बच्चों को जेल भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है बिहार गवर्नमेंट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे लड़के और लड़कियां जो अपने बुजुर्ग माता पिताओं को छोड़ देते हैं उनके लिए अब एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है बिहार गवर्नमेंट ने। उनको अब गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। तो ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है बिहार गवर्नमेंट ने। अब बिहार ने दी है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कनाडाई ग्रैंड प्री 2019 किसने जीता है? तो लुईस हैमिल्टन ने कनाडाई ग्रैंड प्री 2019 जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा
आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।